ने कहा था मैं जाऊंगा और कटकट गेट ने सोना वहाँ के आवाम ने, लेकिन अभी उनकी नींद उड़ी हुई है, ऐसा ऐसी इंफॉर्मेशन मिल रही है 22 एकड़ पे सरकार का नाम लग गया है। देखिए मुझे मेरे पास अभी डेलीगेशन आया था और ये सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से ये प्रेशर डाला जा रहा है कि जितने भी ये जो शत्रु की ज़मीन थी तो वो ज़मीन एक्वायर करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से और होम डिपार्टमेंट की तरफ से ये प्रेशर डाला जा रहा है। अमित शाह साहब ने जो 2018 के अंदर मैं एमपी नहीं था वरना मैं खूब लड़ा होता इस ताल्लुक से कि ये आप कई सालों से जो लोग बसे हुए हैं उन्हें बेघर घर करने के लिए एक जो साजिश रची जा रही है। यकीनन लोगों के अंदर एक घबराहट का माहौल है, मैंने पूरा मामला समझ के लिया हूँ। मैं कलेक्टर साहब से भी और डिविजनल कमिश्नर साहब से भी इस बारे में बात करूंगा, मार्च के अधिवेशन के अंदर में इसकी आवाज़ भी हम उठाएंगे, लेकिन हमारी तरफ से जितना हो सकता है उतनी हम पूरी कोशिश करेंगे कि मतलब जो गरीब लोग हैं इतने सालों से बसे हुए हैं उनका नाम कैसे चढ़ा। अगर उन्होंने पूरा लीगल प्रोसेस से टैक्स चढ़ गया है, वो अपने घर बना लिए हैं तो घर की परमिशन मिल गई है, और जो मुझे ऑर्डर्स बताए गए हैं उस ऑर्डर के अंदर कहा गया है कि मतलब ये कलेक्टर ने ही पहले ऑर्डर दिया था ये नाम चढ़ाने के लिए जिन लोगों ने भी ये ज़मीनें खरीदी थी या बेची थी करके। तो अचानक आप कई सालों के बाद नींद में से उठ के आते हैं और कहते हैं कि नहीं तो हमारी ज़मीन है करके, तो इतने साल तक आप क्या सो रहे थे क्या उसमें, और फिर इतने सारे हज़ारों लोगों को आप कैसे खाली करेंगे उसमें, इसकी ज़िम्मेदारी कौन लेगा, इनको कहाँ पे बसाएंगे। एक तरफ आप नारा लगाते हैं हर बेघर को हम घर देने वाले हैं, नरेंद्र मोदी साहब बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि मार्च 2022 तक हर बेघर के को हम घर देंगे, हर एक के सर के ऊपर छत रहेगी करके, और यहाँ पर जो इतने सालों से बसे हुए हैं उनको आप घर खाली करने की बात कर रहे हैं, तो करेंगे लड़ाई देंगे उसमें, क्योंकि हम तो आवाम के साथ खड़े। देखिए ये अकेले सिर्फ औरंगाबाद का मुद्दा है ऐसा नहीं है, ये कई सारे शहरों के अंदर जो ये एनिमी लैंड थी, ये एनिमी लैंड है तो देश भर में कई सारी जगहों के ऊपर है, तो ये अकेले सिर्फ एक शहर का मुद्दा नहीं है कि अकेले इम्तियाज़ जलील ये मुद्दा ये करेंगे करके। यकीनन पार्लियामेंट के अंदर जब ये सेशन शुरू होगा 13 मार्च से तो हम इसके ऊपर आवाज़ उठाएंगे और गवर्नमेंट को भी रिप्रेजेंटेशन देंगे, प्रधानमंत्री से कहेंगे, होम मिनिस्टर से कहेंगे कि ये सब जो हो रहा है ये गलत है करके। 22 एकड़ देखिए मैं भी ये समझना चाहूँगा कि आप सबसे पहले तो उनसे यही सवाल करूँगा कि अगर आपकी ज़मीन थी, अगर ये एनिमी लैंड थी, गवर्नमेंट की लैंड थी, तो इतने साल तक आप क्यों सोते रहे। आपके लैंड की हिफाजत करना आपकी ज़िम्मेदारी ही है, आप घरा बनने दिए वहाँ पर, परमिशन दे डाले, लोग कई सालों से टैक्स भर रहे हैं, टैक्स भर के वहाँ पर आपने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किए हैं, रास्ते बनाए, लाइट दिए, हर चीज़ दिए है, और एक दिन अचानक आके आप कहते हैं कि नहीं ये तो मेरी ज़मीन है अब ये खाली करो करके, तो इतना अंधाधुंध राज तो नहीं होगा ना उसमें। अब लोग लड़ेंगे उसके अंदर और लोगों की लड़ाई के अंदर हम भी शामिल होंगे, हम पूरी ताकत के साथ इनका साथ देंगे लोगों का। हाल ही में आपने अपने पदाधिकारियों की एक मीटिंग ली थी, उसके अंदर आप बोल रहे थे कि सोशल मीडिया का जितना रोज नई खबरों को देखने के लिए हमारे औरंगाबाद समाचार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे बेल आइकन को दबाइए ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।